एक बार सभी मित्र मेरे साथ जुड़ जाए। दरअसल आप ये सीधी तस्वीरें जैतान से देख रहे हो। एक बार तमाम जितने भी मित्र मेरे जुड़े हुए हैं, वो जो भी लाइव देख रहे हैं, एक बार सभी इस वीडियो को आप शेयर कर दें, इंतजार करें। लगभग आ रहे हैं मित्र, जुड़ रहे हैं। उम्मीद करना चाहूँगा कि बहुत सारे मित्र हैं वो जुड़ेंगे और बात बरसात की करेंगे। आज बताना चाहूँगा कि जैतारण में इस समय बरसात का दौर जारी है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली गुल है। जैसा कि विदित है कि पिछले 3 दिनों से चक्रवाती तूफानों के साथ बरसात हो रही है। इस बरसात के मौसम में पूरा इलाका तरबतर हो गया है। तूफानी चक्रवाती बरसात थी पिछले 2 दिनों से। जगह जगह पर नुकसान के भी समाचार है। कहीं पेड़ पौधे भी धराशायी हुए हैं, तो कहीं बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो टीन शेड भी हुए हैं। तो बहरहाल इस पूरे जैतारण इलाके की बात करना चाहूँगा तो पिछले 3 दिनों से यही हालात है। दिन भर की तपिश के बाद साई ढलते ही इंद्रदेव मेहरबान हो रहे। और ये जैसा कि लोग बता रहे कि ये पहला मौका है कि इस बार जो बरसात हो रही है, इस बरसात में ओलावृष्टि हो रही है, यानी कि बड़े बड़े ओले भी गिर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, ऐसा लोग बता रहे। तो बहरहाल इस जैतारण इलाके के विभिन्न गाँव में आज भी, जैसा कि शुक्रवार है, कल गुरुवार था, बुधवार था, लगातार 3 दिन और 2 दिन तो इतना भयावह चक्रवाती तूफान आया कि पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया। यानी कि बात जैतारण की करना चाहूँगा तो कल साई कोई बिजली गुल हो गई और इस समय भी शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली गुल है। जैतारण शहर के ये हालात है, तो कमावे से ग्रामीण क्षेत्रों में तो इससे भी बदतर हालात होंगे, क्योंकि यहाँ मामूली हवा चलने के साथ ही यहाँ बत्ती गुल हो जाती है। ऐसा निष्काम के जो कर्मचारी है वो करते हैं, ग्रामीण जनों को परेशानी भी होती है। जगह जगह से हमारे पास समाचार आते, देर रात्रि तक ही समाचार आते हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ मच्छर काट रहे, तो ये समस्या है। खास तौर से डिस्काम के अधिकारियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के मौसम है, जो अपनी विद्युत व्यवस्था है, जो अपने उपकरण, उनको तंदुरुस्त करके रखें, ताकि बरसात के मौसम में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो बताना चाहूंगा कि जैतारण शहर में इस समय लगभग 9:30 बज रहे होंगे। 9:30 बजे में आज जैसा कि दिन भर तपिश थी और तपिश के बाद उम्मीद थी, जैसा कि मौसम विभाग द्वारा चेतावनी भी दे रखी है कि आगामी 27 मई तक ऐसे हालात हो रहे हैं। और बात अब किसानों की करना चाहूंगा तो आज मेरे अनेक किसानों के साथ मेरी बातचीत हुई है, विभिन्न गाँव में मेरी बातचीत किसानों के साथ, तो किसान भी तैयार है कि खेती की बुआई करे, और लेकिन बुआई के लिए जो पानी है वो बहुत इकट्ठा हो रखा खेतों में। जब तक पानी सूख नहीं जाए उससे पहले बुआई भी हो नहीं सकती, यानी बोने लायक बरसात इस पूरे जैतारण इलाके में हो चुकी है। तो बहरहाल इस समय भी बरसात का दौर है, जो धीरे धीरे अब थोड़ा बहुत थंबा है, जैसा कि आप देख रहे हो जैतारण की बरसात है। और एक बात और कहना चाहूँगा, इस जैतारण शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था न के बराबर हो, चाहे किसी का बोर्ड हो, किसी का बोर्ड नहीं हो, लेकिन हालात पिछले लंबे समय से हम यही देख रहे हैं विभिन्न क्षेत्र में, वो के वो पानी जो जमा होता है, जो नाले है, उन नालों की साफ सफाई समय पर नहीं हो पा रही है। नगर पालिका प्रशासन है जो समय पर उसकी साफ सफाई नहीं करने के कारण जगह जगह पर यही हालात है। और आग्रह करना चाहूंगा पालिका प्रशासन से कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, हालांकि मानसून का जो आगाज है वो जून के माह में होगा, लेकिन ये मानसून के पहले की ये बरसात है, लेकिन मानसून के पहले की बरसात में ये हालात है, तो उस समय क्या होगा, इस शहर का क्या होगा। आए वर्ष प्रतिवर्ष हम यही देखते हैं कि मामूली बरसात में शहर की गलियों में पानी बहने लगता है, मुख्य बस स्टैंड पर पानी बहने लगता है, यानी कि शहर के भीतरी भागों की ऐसी स्थिति हो, तो इस स्थिति को भी थोड़ा नगर पालिका को सुधारना चाहेंगे। तो बड़ी संख्या में मेरे जितने भी दर्शक जुड़े हैं, जो भी मेरे मित्र जुड़े हैं, तो तमाम जो भी है जो जैतारण से ताल्लुक रखते हैं, खास तौर से मारवाड़ से जो ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो ऐसे चक्रवाती तूफान है, यो तेज हो, उनसे बचने का प्रयास करें। और सब जगह सर्वत्र यही बरसात है, निम्बाज में भी ऐसी बरसात है, आनंदपुर कलू में भी ऐसी बरसात है, रास में भी ऐसी बरसात है, कुड़की में भी ऐसी बरसात है, कुल मिलाकर पूरे जैतारण और रायपुर क्षेत्र में भी यही स्थिति है। चूंकि आज मैं
रायपुर गया था, रायपुर में भी पिछले 2 दिनों से जो चक्रवर्ती तूफान आया था उसके कारण से बहुत नुकसान हुआ है। खास तौर से जो डिस्कॉम महकमा हुआ उनके अधिकारी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है, विद्युत ट्रांसमीटर गिर गए हैं और कई पेड़ गिर गए, कई विद्युत लाइनें गिर गई। तो बहरहाल पिछले 3 दिनों से ये हालात बने हुए हैं इस जेतन इलाके के, जेतन शहर के है, रायपुर मारवाड़ के है, सोजत के है, इधर बिलाड़ा के है, ब्यूर के है, मेड़ता के है। तो पिछले 3 दिनों से मारवाड़ में ये बरसात है और पिछले 3 दिन पहले की बात करें तो बताना चाहूंगा कि भीषणतम गर्मी थी, यानी कि 42-43 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन आज पिछले 3 दिनों से जो शाम को बरसात इससे थोड़ी तपिश भी कम हुई है। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, और वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें।